आन एक्शन हीरो को मूवी को जाकर आज मैं थिएटर में देख लिया। अब सभी लोग पता है कि आयुष्मान खुराना अलग अलग मूवी लेकर आते हैं, बट इसमें आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। चलिए इस मूवी के बारे में बात करते हैं। और इस मूवी को मैं देखा तो मुझे उतना मजा नहीं आया, और लोगों को यह मूवी कुछ ज्यादा ही पसंद आएगा कि नहीं आएगा ये तो मेरे को पता नहीं। मूवी में आयुष्मान खुराना का जो एक्टिंग है वो मुझे बहुत ही जबरदस्त लगा। इस मूवी का स्टोरी मानव फिल्म स्टार से है, आई मीन आयुष्मान खुराना वो फिल्म स्टार है और ज्यादातर लोग मानव को एक्शन हीरो के नाम से जाना जाता है। एक दिन अचानक से गलती से उसका भाई का मर्डर हो जाता है, लेकिन उसके बाद उसका जो बड़ा भाई उसको ढूंढने लगता है जो मर्डर किया रहता है उसके भाई को, तो जो मर्डर किया रहता है वहाँ से फरार हो जाता है। भाई के मर्डर होने से जो मानव है उसका पीछा करना चालू कर देते हैं। उसके बाद पुलिस भी पीछे पड़ जाते हैं मानव के, आई मीन एक्शन हीरो, और कैसे मानव अपनी जान को बचाता है, तो इस मूवी को आपको देखना पड़ेगा। मुझे इस स्टोरी में ज्यादातर आपको एक्शन दिखाई देगा, बस इसमें का जो क्लाइमेक्स है वो मुझे बहुत ही पसंद आया। बात करूं इस मूवी के बारे में, जो क्लाइमेक्स का जो सीन है उसी ने इस मूवी को बचाया है, अदरवाइज इस मूवी में ज्यादा कुछ नहीं है। में जो गैंगस्टर और पुलिस और मानव किस तरीके से माइंड गेम खेलते हैं वो आपको इस मूवी में मजा आएगा। पूरे मूवी को आप देखना, जो सभी लोग किरदार कर रहे हैं लोगों को अचानक से एक एक जगह में फिट कर दे रहे हैं, मतलब आप समझ रहे हो कि अगर कहीं से कोई और आ जा रहा है और कहीं से कोई और आ जा रहा है। अगर इस मूवी को अगर अच्छे से अगर प्रेजेंट करता जो कहीं से कहीं पर आ जा रहे, अगर थोड़ी बहुत अगर अच्छा से लाते तो इस मूवी को देखने में कुछ ज़्यादा ही मजा आता। बात करूँ इस मूवी की क्लाइमेक्स की, आयुष्मान खुराना और जयदेव दोनों का अगर क्लाइमेक्स अगर देखना है इस मूवी में तो एक बार थिएटर में जाकर इस मूवी को जरूर ही देखना, अदरवाइज आपको OTT पर आपको देखने के लिए थोड़ा वेट करना पड़ेगा या तो फिर आप कहीं से जुगाड़ जमा सकते हो, और आप लोगों को पता है। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना। अगले वीडियो मिलते हैं फ्रेंड, टेक केयर, बाय।